शुक्रवार को गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मोरादाबाद के तत्वाधान में अभिभावक समिति के द्वारा गत वर्ष की भांति विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के अभिभावकों की शिक्षकों के साथ पारंपरिक संवाद आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास के द्वारा की गई। बैठक में अभिभावकों का महाविद्यालय के विषय में फीडबैक लिया गया, जिसका उद्देश्य महाविद्यालय की शैक्षिक व अन्य गतिविधियों के संबंध में उनकी राय व अपेक्षाओं को ज्ञात करना था। इसमें छात्राओं के माता पिता ने बड़ी संख्या में भाग लिया व अपने सुझाव दिए। उनका सुझाव था कि कॉलेज में गृह विज्ञान एवं उर्दू विषय में एमए खोला जाए। तत्पश्चात प्राचार्य ने अपने संबोधन में उक्त फैकल्टी खोलने का उन्होंने आश्वासन दिया तथा अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपनी बेटियों को नियम से महाविद्यालय भेजें व उन्हें अनुशासन में रहने की सीख दें, जिससे छात्राएं आगे बढ़े और महाविद्यालय और शहर का नाम रोशन करें। बैठक का संयोजन व संचालन समिति की संयोजिका डॉक्टर शशि सिंह ने किया तथा समिति की सदस्यों द्वारा डॉक्टर पुनीता शर्मा, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर सुधा सिंह, डॉक्टर प्रवीण सैनी, डॉक्टर सैफाली अग्रवाल, डॉक्टर प्रेम लता कश्यप तथा भारी संख्या में अध्यापक व माता पिता भी मौजूद रहे। का उद्देश्य ये रहा कि माता पिता और अभिभावकों का उस कॉलेज में आना और टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जिस महाविद्यालय में उनके बच्चे पढ़ते हैं उस महाविद्यालय को वो बेहतर ढंग से जान पाए और महाविद्यालय की जो समस्याएं हैं उससे भी वो वाकिफ हों और उनकी समस्याएं वो हम भी सुने। ठीक है मैम, पेरेंट्स द्वारा क्या क्या गतिविधियाँ बताई गई अपने बच्चों के लिए? महाविद्यालय में जो भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उसके विषय में उन्हें बताया गया तथा ये भी बताया गया कि वो ये ध्यान रखें कि बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में आए, महाविद्यालय में आए, उनकी सुरक्षा से संबंधित यदि कोई समस्या है वो हम तक पहुँचाएँ और उनकी जो समस्याएँ थी, बहुत मामूली समस्याएँ थी, वो भी हमने सुनी।